मीडिया लाइब्रेरी को अभी तक हमने एक्सप्लोर किया, हमने देखा है कि मीडिया लाइब्रेरी के किस तरह के फंक्शंस होते हैं, हाउ दिस इज अ सेंट्रल रिपोजिटरी वेयर यू कैन स्टोर कंटेंट. मीडिया लाइब्रेरी है क्या? मीडिया लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर यू कैन अपलोड इमेजेस. मीडिया लाइब्रेरी इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर यू कैन अपलोड वीडियोज, एंड मीडिया लाइब्रेरी इज ऑल्सो अ प्लेस वेयर यू कैन अपलोड डिफरेंट तरह की फाइल्स. कोई भी फाइल टाइप हो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं. सो दिस इज योर प्लेस वेयर यू शुड बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम. अगर आप वर्डप्रेस को यूज करते हुए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर या एक सक्सेसफुल स्मार्ट वर्कर बनना चाहते हैं, देन वर्डप्रेस इज द राइट चॉइस फॉर यू. वर्डप्रेस इज द राइट टूल फॉर यू. एंड विद इन वर्डप्रेस मीडिया लाइब्रेरी इज अ टूल दैट यू शुड डेफिनेटली बी एक्सप्लोरिंग. एक क्वेश्चन जो शायद आपके जहन में भी हो, मेरे जहन में तो था जब मैंने वर्डप्रेस यूज़ करना शुरू किया, कि वर्डप्रेस किस तरह की फाइल्स को सपोर्ट करता है, वो कौन सी फाइल टाइप्स हैं जिनको वर्डप्रेस एक्चुअली सपोर्ट करता है. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, एवरी फाइल हैज़ अ टाइप. हर तरह का एक जो फाइल है, हर तरह की एक जो फाइल है, बेशक वो आपके फ़ोन पे है, बेशक वो आपके पीसी पे है, आपके लैपटॉप पे है, आपके सर्वर पे, उसकी एक टाइप होती है जिससे कंप्यूटर को पता लगता है कि वो फाइल किस तरह से बिहेव करेगी. सो एक जो इमेज फाइल है उसकी एक सर्टेन टाइप है, विच इज एन इमेज. ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, देयर आर कैटेगरीज ऑफ फाइल टाइप्स, एंड वी आर गोइंग टू टेल यू व्हाट कैटेगरीज एग्जैक्टली डज वर्डप्रेस सपोर्ट. सो पहले उसमें एक कैटेगरी है इमेज फाइल टाइप्स की. वो कौन सी इमेज फाइल टाइप्स है जो वर्डप्रेस सपोर्ट करती है? नंबर वन इज जेपेग, जो आप आम रूटीन में अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में इमेजेस लेते हैं या फोटोज़ लेते हैं, दोज आर जेपेग्स. द सेकेंड फाइल टाइप इज पीएनजीज. सेकेंड फाइल टाइप इज पीएनजी. पीएनजी एक और फाइल टाइप है जो आप बहुत ज़्यादा जिसके बारे में सुनेंगे, उसको देखेंगे, ऑनलाइन भी इसके इमेजेस अवेलेबल हैं. द थर्ड फाइल टाइप इज जिफ. अगर आपने जिफ भी उसको कहते हैं, उसको गिफ भी कहते हैं. आप अगर मूविंग इमेजेस कोई देखते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या ऑनलाइन, एंड दोज इमेजेस आर मूविंग इन सम वे, उनको हम कहते हैं जिफ्स या गिफ्स. द फोर्थ टाइप ऑफ इमेज फाइल टाइप दैट वर्डप्रेस सपोर्ट इज कॉल्ड आइको. आइको क्या? आइको इज यूजली एन आइकॉन. सो एक आइकन की जो फाइल टाइप होती है उसको हम कहते हैं आइको या ICO. सो दीज आर सम ऑफ द इमेज फाइल टाइप्स दैट वर्डप्रेस सपोर्ट्स. बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो इक्वली कि कौन सी वो फाइल टाइप्स है जो वर्डप्रेस नहीं सपोर्ट करता. सो द फाइल टाइप्स विच आर नॉट इंक्लूडेड आर BMP, बिटमैप का जो एक फाइल फॉर्मेट होता है, TIFF इमेजेस आर ऑल्सो नॉट सपोर्टेड, एंड SVG वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स आर ऑल्सो नॉट सपोर्टेड. क्वेश्चन आपके जहन में जो शायद यहाँ पे आए वो ये है कि वट इफ आई अपलोड अनसपोर्टेड फाइल टाइप्स. आपको वर्डप्रेस रिस्ट्रिक्ट करेगा एक एरर मैसेज दिखा के कि दिस फाइल टाइप इज नॉट बीइंग परमिटेड और अलाउड फॉर अपलोड ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, बट वी हैव प्लगइन्स थ्रू विच यू कैन बाईपास दिस. वी हैव प्लगइन्स थ्रू विच यू कैन अपलोड फाइल टाइप्स विच आर यूजुअली नॉट सपोर्टेड. सेकेंड आते हैं कौन सी डॉक्यूमेंट की फाइल टाइप्स हैं जो वर्डप्रेस आपको अलाउ करेगा अपलोड करने के लिए या सपोर्ट करेगा. वन ऑफ देम इज PDF, the most popular document format in the world. It's pioneered by a company called Adobe, या Adobe जिसको बहुत लोग पाकिस्तान में कहते हैं. Portable document format इसका नाम है. एक और format is PSD. PSD is also by Adobe. अगर आपने Photoshop एक graphic design tool use किया हो, उससे जो file export होती है, that's called a PSD. Lucky for you, lucky for the graphic designers out there, and lucky for the graphic enthusiasts that WordPress natively supports PSD. DocX, अगर आप Word की कोई, Microsoft Word की कोई फाइल है, वो मीडिया लाइब्रेरी सपोर्ट करती है WordPress पे. PPTX सपोर्ट करती है. XLS क्या होती है? इट्स एन Excel फॉर्मेट. एंड ODT शायद आपने ना सुना. ODT इज एन ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. सो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जो इंक्लूडेड हैं. जो नहीं इंक्लूडेड डॉक्यूमेंट्स में वो हैं XML. XML इज द पॉपुलर फाइल टाइप. RTF is also another type which is not supported, and ODP is also not supported. Audio file types ki baat karte hain. MP3, the most popular audio format. MP3, jis pe aap sare gaane bhi rakhte hain, wo upload ke liye
अलाउड है वर्डप्रेस पे, M4A, OGG, Org भी जिसको कहते हैं, या वेव फाइल्स WAV, दीज आर सपोर्टेड. बट देर आर सम अदर फाइल टाइप्स लाइक AAC, WAMA, जिसको विंडोज मीडिया ऑडियो भी कहा जाता है, या FLAC, FLAC, दीज आर नॉट सपोर्टेड. वीडियो फाइल टाइप्स में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं लाइक MP4, द मोस्ट पॉपुलर वीडियो फॉर्मेट, M4V, MOV, जिसको मूव भी कहते हैं, WMV, विंडोज मीडिया वीडियो, AVI, MPG, OGV, 3GP एंड 3G2, ऑल दीज फाइल टाइप्स आर सपोर्टेड बाय वर्डप्रेस. लेकिन कुछ चीज़ों में याद रखिएगा कि वर्डप्रेस की फाइल टाइप्स चेंज होती रहती हैं. सो अगर कोई फाइल टाइप अपलोड नहीं हो रही, दैट्स बिकॉज वर्डप्रेस हैज़ बीन अपडेटेड. सो इसको कुछ चीज़ों को जहन में रखिएगा. फाइल को ऐड करने के लिए द सिंपल प्रोसेस इज ड्रैग एंड ड्रॉप, या आप लिंक पे जाके मीडिया लाइब्रेरी पे उस सेलेक्ट कर सकते हैं फाइल को, जिस तरह आप विंडोज में कोई फाइल ऐड करते हैं. सो यू कैन क्लिक ऑन ऐड न्यू फाइल एंड दैट्स हाउ यू कैन अपलोड. जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि फाइल टाइप का एक इंटरफेस है अपलोड करने का, जो कि लिस्ट व्यू में भी एक सर्टन तरीके से नज़र आ रहा है और ग्रिड व्यू में भी एक सर्टन तरीके से नज़र आ रहा है. फ्रॉम दैट यू कैन अपलोड फाइल्स. क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, इज देयर अ लिमिट टू द नंबर ऑफ फाइल्स दैट आई कैन अपलोड. योर नंबर ऑफ फाइल्स दैट यू अपलोड इज लिमिटेड बाय द स्टोरेज स्पेस दैट यू हैव. इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू हैव एज मेनी फाइल्स, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप फाइल्स ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी डिस्क स्पेस भी यूज होगी और आपकी होस्टिंग की परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी. एक और क्वेश्चन आपके जेन में आए कि डज अपलोडिंग अ लॉट ऑफ फाइल्स अफेक्ट परफॉर्मेंस. येस इट डज. फाइल्स को बड़ा जहन में रख के देख के उसके यूज को फिर अपलोड करें. एक और क्वेश्चन जो आपके जहन में आएगा कि हाउ कैन आई अपलोड अ फाइल दैट इज नॉट सपोर्टेड बाई वर्डप्रेस. वी विल डू दैट यूजिंग अ टूल, अ प्लग इन विच इज स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर फाइल टाइप. So let's do it. Let's go live and let's see how we can upload different file types to WordPress. We'll go to digiskillsadhamid.000 webhostapp.com. Direct main isko login karunga aur wahan se as soon as it logs in I'll go to my media library. Media library accessible hai aapko left hand side pe, isko aap click karenge and yahan se now you have two ways to add a new file. Ek aap grid view se kar sakte hain या आप लिस्ट व्यू से कर सकते हैं. लेकिन फाइल अपलोड करने से पहले ऐड अ न्यू फाइल बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे ही आपको वो एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिससे आप वो फाइल अपलोड कर सकते हैं. बट फाइल्स अपलोड करने से पहले आई वॉन्ट टू डाउनलोड न्यू फाइल्स. आई एम जो मुझे पुरानी फाइल्स मेरे पास यहाँ पे एडेड हैं मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो मैं नई फाइल्स डाउनलोड करना चाह रहा हूँ. तो आपकी सपोर्ट से आई विल डाउनलोड न्यू फाइल्स. सो पहले हम एक इमेज फाइल डाउनलोड करते हैं. लेट्स गो एंड सर्च फॉर पाकिस्तान नॉर्थ. जबरदस्त इमेजेस हमें मिल गए हैं. आई विल जस्ट डाउनलोड वन ऑफ देम एंड आई विल सेव देम. आप इसको अपने पास डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं. बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू डाउनलोड अ न्यू फाइल टाइप. सो आई एम गोइंग टू डाउनलोड सैम्पल MP3 फाइल. और इसको मैं अपने पास सेव कर लूंगा डेस्कटॉप पे. सो ये फाइल भी मेरे पास सेव हो गई है. डू आई वॉन्ट अनदर फाइल टाइप एज वेल? यस आई डू. आई एम गोइंग टू डाउनलोड अ वेक्टर फाइल. डाउनलोड SVG. सो ये भी मेरे पास zip में एक फाइल डाउनलोड हो गई है. आई एम गोइंग टू एक्सट्रैक्ट दिस ऑन माई डेस्कटॉप एंड नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड ऑल दीज फाइल्स वन बाय वन टू माई मीडिया लाइब्रेरी. सबसे पहले मैं इमेज फाइल को अपलोड करूँगा. देखें जैसे ही मैंने अपलोड का बटन क्लिक किया, दिस फाइल इज नाउ व्यूएबल. थंबनेल भी इसका आ गया. इसी तरह मैं एक MP3 फाइल जो मैंने अभी डाउनलोड की उसको अपलोड करूंगा एंड आई विल सी वर्डप्रेस अलाउज मी टू डू दैट. वर्डप्रेस फाइल भी इसने मुझे अपलोड करने दी है. नाउ आई विल ट्राई टू अपलोड अ फाइल विच आई थिंक वर्डप्रेस विल नॉट अलाउ मी टू अपलोड. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फाइल टाइप मुझे वर्डप्रेस अपलोड करने के लिए अलाउ नहीं करता वो मुझे फाइल टाइप दिखाएगा ही नहीं.
सो एक सिंपल इसकी एग्जांपल ये है कि एस वी जी फाइल फॉर्मेट में अपलोड करना चाह रहा हूँ, बट बिकॉज वर्डप्रेस डज नॉट अलाउ दैट, इसीलिए जब भी मैं सिलेक्ट फाइल का बटन क्लिक करता हूँ तो मुझे फाइल नज़र ही नहीं आ रही। बट चूंकि मैं थोड़ा सा चलाक हूँ तो मैं चलाकी ये करने की कोशिश करूँगा कि आई विल ट्राई टू ड्रैग एंड ड्रॉप दिस। बट देखें वर्डप्रेस ने मुझे कहा सॉरी दिस फाइल इज नॉट परमिटेड फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो मैं वही करूँगा, मैं प्लगइन्स में जाऊँगा एंड आई विल एड अ न्यू प्लगइन कॉल्ड एसवीजी अपलोड ताकि वर्डप्रेस मुझे फाइल टाइप अपलोड करने में अलाउ करे। इंस्टॉल का बटन दबाऊंगा आपके सामने, जैसे ही मैं ये प्लगइन अपडेट करूँगा, इंस्टॉल करूँगा और एक्टिवेट करूँगा, आई विल हैव द एबिलिटी टू अपलोड एसवीजी फाइल्स। और ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया है, आई विल गो टू मीडिया लाइब्रेरी, आई क्लिक ऑन एड न्यू एंड नाउ यू कैन सी, जब मैं सिलेक्ट फाइल्स क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे दिखा रहा है एस वी जी। सो आई जस्ट क्लिक ऑन अपलोड एंड दैट्स द मैजिक ऑफ वर्डप्रेस, एनीथिंग इज पॉसिबल विद प्लगइन्स। यहाँ पे आपने देखा कि कौन सी वो फाइल टाइप्स हैं जो सपोर्ट करता है वर्डप्रेस, कौन सी वो फाइल टाइप्स हैं जो वर्डप्रेस सपोर्ट नहीं करता। एट द सेम टाइम वट आर सम ऑफ द फाइल टाइप्स विच वर्डप्रेस एक्चुअली डज नॉट सपोर्ट बट प्लगइन्स की मदद से आप उन्हें यूज कर सकते हैं, आप उन्हें अपलोड कर सकते हैं। फाइल टाइप्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज फाइल्स आर व्हाट मेक वर्डप्रेस पावरफुल। सो फाइल टाइप्स को एक्सप्लोर कीजिएगा, देखिएगा कि आपको किस तरह की फाइल टाइप्स की ज़रूरत है एंड बेस्ड ऑन दैट इंस्टॉल योर रिक्वायर्ड प्लगइन।